मुझे बॉम्बे में घर चाहिए। हमने कहा ले लो। कहता नहीं नहीं, जिस घर को मैं लेना चाहता हूँ ना उसके बहुत सारे कस्टमर हैं, मेरे से अधिक पैसा लेके ले रहे हैं। तो राजयोग में कोई ऐसा प्रयोग है जो वो घर मुझे मिल जाए? अभी वो नया नया बाबा का बच्चा 6-7 महीने का, तो हमने उसको बताया कि ठीक है, 1 घंटा योग करो जब तक घर मिले, एक ही संकल्प से, एक ही स्वामन से योग करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जब से तभी का है। और आप विजन देखना कि ये घर मुझे मिल गया है, मिल जाएगा नहीं, मिल गया है और मैं गृह प्रवेश कर रही हूँ, रजिस्ट्री मिल गई है मेरे हाथ में। बिचारे ने भोग लगा करके शुरू किया 2 महीने योग बिना कंडी किए, 1 घंटा रोज। 2 महीने के बाद उसको पता चला कि वो घर तो किसी और ने खरीद लिया। अब उसको बड़ी परेशानी हुई, दुख हुआ और तो गुस्से में बाहर आया, और तो किसी पे पार नहीं, बस ही वापस मौका पर फोन लगाया। फोन उठाया मम्मे, तो बोलते हैं अब देखे उसके क्या शब्द थे, देख लिए बाबा बाबा सब ऐसे ही है, किसी में कोई दम नहीं है, तुम्हारे बाबा में भी कोई दम नहीं है, नहीं जाऊंगा मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम टाइम वेस्ट करते खा लूंगी। मैं उसको बोलती रही भैया कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो, एक बार बताओ, तू शांत हो। वो नहीं, वो गुस्से में, बड़े दुख में, उसने मेरी नहीं सुनी, एक बार का रिप्लाई नहीं किया, फोन रख दिया। पूरे 25 दिन के बाद, ज्यादा दिन नहीं थे, पूरे 25 दिन के बाद पूरी इंडिया में बहुत बारिश हो रही थी, चारों तरफ बाढ़ आ रही थी, बॉम्बे में हैवी रेन हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। अब घर में भी कोई नहीं था, सब जगह शांति बंद, मधुबन घर वाले ही थे, बाकी कोई मेहमान नहीं था, तो सब न्यूज वगैरह लगा के बैठे थे, देख रहे थे, खूब बारिश हो रही है, कई दिन हो गए बंदी नहीं हो रही। अब न्यूज जो देख रहे थे तो एक न्यूज हाईलाइट हो रहा, बॉम्बे में एक बड़ी बिल्डिंग सुबह 8:30 के बीच में गिर गए, 30 लोग दबके मर गए, कुछ दबे पड़े हैं और जो बचे वो टोटली रोड पर है, कुछ नहीं बचा, ना जल ना धन, कुछ नहीं, घर केवल सड़क पे खड़े, सब खत्म हो गया उनका। तो हमने चैनल बदल बदल के देख रहे थे, सभी चैनल में यही न्यूज आ रहा था, फिर फोन की घंटी बजी, तीसरी बार भी फोन मैंने उठाया। जैसे मैंने न्यूज देखते रहे तो उसको हेलो बोला, हेलो भैया, तो उसका पहला ही शब्द जो था उसने ओम शांति भी नहीं बोला, उसने पहला ही शब्द बोला वाह 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 वाह, बचा लिया तूने मुझे। मैंने बोला कौन बोल रहे हो भैया, कह रहा हूँ घर वाला भाई जिसने थोड़े दिन पहले बहुत सुनाया था बाबा को, तो मुझे याद आया, अच्छा वो भाई बोल रहे हो, मैंने क्या हुआ आपको पता है क्या हुआ, क्या हुआ, जिस बिल्डिंग में मैं फ्लैट लेना चाहता था वो बिल्डिंग आज सुबह ही पूरी खत्म हो गई, इतनी बची। बोला अगर बाबा मेरी सुन लेता, मेरी जिद मान लेता तो आज मैं जिंदा भी होता। लाख लाख धन्यवाद तेरा ऊपर वाले जो तूने मुझे वो घर नहीं दिलाया, वरना मैं पूरा बर्बाद हो गया होता। तो मैंने उसे बड़े प्यार से पूछा, मैंने बाबा ने अपना दम दिखाया कि नहीं? उसने कहा हाँ बहन जी, दम तो दिखाया, मैंने आपका भोग जो तुमने बाबा को लगाया था अपना संकल्प को पूरा करने के लिए, वो भोग स्वीकार हुआ कि नहीं? इतना पूरा स्वीकार हुआ जो आज मैं यहाँ पर जीवित खड़ा हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेरी जिद बन जाती है, मुझे चाहिए ही, लेकिन बाबा क्या देख रहा होता है, इसे देना गलत होगा, मेरी प्लानिंग गलत हो सकती है परंतु ऊपर वाले की प्लानिंग कभी भी गलत नहीं हो सकती, इसीलिए मेरी प्लानिंग उसे करने दो। अब मेरी प्लानिंग क्यों गलत हो सकती, क्योंकि मैं आज को देखकर प्लानिंग कर रही हूं, अब को देखकर प्लानिंग कर रही हूं। भगवान कृपादर्शी है,
वो जो बीत गया उसे भी जानता है, आज को भी जानता है और भविष्य को भी जानता है। तीनों कालों को देख कर परख कर मेरे लिए ऐसी प्लानिंग करता है जो मेरे लिए बढ़िया से बढ़िया। मैं तो केवल आपको देख रही हूं, अगले पल क्या हो रहा है वो भी मुझे नहीं पता। इसीलिए अपनी प्लानिंग छोड़ दो, उसके ऊपर सौंप दो और अपने घर में जाके लिख लेना आज बड़े बड़े अक्षरों में स्केच पेंसिल चिपका देना, मेरी विजय सुनिश्चित है। वो डिले तो हो सकती है परंतु कैंसिल नहीं, कैंसिल नहीं।